Avengers! Marvel Studios ने जब 2019 में Avengers Endgame रिलीज की तब MCU अपने एपिक पीक पर था। यह मूवी हर एक सुपर हीरो को सिनेमैटिक MCU में एक यूनिवर्स वाइड बैटल में लेकर के आई, जिसके बाद फैंस बेसब्री से यह देखना चाहते थे कि इन्फिनिटी सागा खत्म कैसे होगी। लेकिन Endgame के बाद मार्वल के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। This happens to Iron Man और कैप्टन अमेरिका ने रिटायरमेंट ले लिया। पहली बार 10 साल में एक ऐसा वक्त आया जब MCU एक क्लीन स्लेट पर आ चुका था। तो नेक्स्ट क्या था? डिज्नी प्लस पर सब कुछ करने की आजादी मिलने के वजह से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कम समय में बनने लगे और हमने देखा कंटेंट्स की बारिश शुरू हो गई, जिससे मार्वल ने बस 3 सालों के अंदर 10 मूवीज और 10 टीवी सीरीज रिलीज कर दी। और इसके पीछे की वजह है डिज्नी की लापरवाही और जबरदस्ती, जिसने मार्वल को फोर्स किया। पर क्यों? सालों तक मार्वल ने अपने मेन फ्रेंचाइज में हीरोज को कल्टीवेट किया, यानी कि आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका, जो कि सभी सुपर हीरोज के ओरिजिनल लीडर्स थे। जब हमने पहली बार टोनी स्टार्क को देखा था तब वो एक इरिस्पॉन्सिबल रिच प्लेबॉय था, लेकिन जब उसे टेररिस्ट्स ने किडनैप किया तब उसे एक वेकअप कॉल मिला जो उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए मजबूर करता है। और हम देखते हैं कैसे वो अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने लगता है। जैसे जैसे हम आयरन मैन को और भी ज्यादा देखते हैं, हम उसे उसकी सबसे बड़ी कमी सेल्फिशनेस के साथ में उसकी फाइट को देखते हैं, और वक्त के साथ हम देखते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है। जैसे कि जब उसने लोकी इन्वेजन में खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लिया और फिर टोनी न्यूक के साथ पोर्टल के थ्रू स्पेस में चला जाता है। और यहाँ टोनी अब वो टोनी नहीं था जो हमेशा अपने आप को पहले रखता था। टोनी वक्त के साथ मैच्योर हो रहा था और स्पाइडरमैन का उसने अपने बच्चे की तरह ख्याल भी रखा और एवेंजर्स को एक फॉर्मेटेबल टीम बनने में हेल्प की। और जब एंड गेम का फाइनल बैटल हुआ तो टोनी थैनोस के स्नैप के बाद खो गए हुए लोगों को वापस लाने के लिए एक बार फिर से खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लेता है। जो कि अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस था। जब टोनी के पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे थे तब उसने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया। मार्वल ने कैप्टन अमेरिका को आयरन मैन के बाद इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो टोनी के बिल्कुल ऑपोजिट था। स्टीव सिर्फ अपने देश के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता था, लेकिन वो सोल्जर बनने के लिए फिट नहीं था, इसलिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल सीरम लिया जो उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है, और वो भी अपने आप को एंड में सैक्रिफाइस कर देता है जब वो एक प्लेन की सी में क्रैश लैंडिंग करता है। स्टीव ऑफ कोर्स बच जाता है और हमने देखा कैसे वो एक कॉन्फिडेंट लीडर बनता है। लेकिन जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की आर्क्स कंक्लूड हो गई, मार्वल को अपने फ्रेंचाइज के लिए नए स्टार्स ढूंढने पड़े, जैसे कि फाल्कन, जो पहले कैप्टन अमेरिका का साइडकिक था, और अचानक से उसे कैप्टन अमेरिका बनाने का प्लान सामने आ जाता है। लेकिन मार्वल कैप्टन अमेरिका के दोस्त को कैप्टन अमेरिका कैसे बनाएगी? और फिर रिलीज होती है एक नई मिनी सीरीज, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। पहली सीरीज से हमें फाल्कन के बारे में थोड़ा सा और जानने को मिला, जैसे कि उसकी बैक स्टोरी और उसकी फैमिली का लुइजियाना में होना। लेकिन सीरीज का सेंटर इश्यू है फाल्कन का कैप्टन अमेरिका के शील्ड को एक्सेप्ट न कर पाना और स्टीव की जगह लेने में हिचकिचाहट होना, क्योंकि उसे लगता था कि यह किसी और का हक है, और फाल्कन डर रहा था कि वो स्टीव की लेगेसी को पूरा नहीं कर पाएगा। और सीरीज इसी प्रॉब्लम को इतना अच्छे से एस्टेब्लिश करती है कि यह सीरीज लगभग स्टीव और उसकी ग्रेटनेस के बारे में ही रह जाती है। सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फोकस स्टीव के बारे में होता है, ना कि फाल्कन के बारे में या फिर वो क्या बनेगा। और जब इस सीरीज के एंड में फाल्कन शील्ड को एक्सेप्ट करता है तो यह एक लेट डाउन मोमेंट लगता है, क्योंकि इसमें वो ड्रामेटिक कॉल मिसिंग है जो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की पहली मूवीज में था। टोनी को टेररिस्ट्स ने किडनैप किया था, स्टीव ने अपनी लाइफ कुर्बान की थी, लेकिन फाल्कन ने जैसे बस डिसीजन ले लिया और हमें बता दिया कि अब मैं यह बनूंगा, और फिर भी यह सब कुछ स्टीव के बारे में ही लगता है। इसीलिए फाल्कन अपनी खुद की सीरीज में भी एक साइडकिक जैसा कैरेक्टर लगता है। एंड गेम के बाद काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स MCU में आए, जैसे कि सैंक्ची, द इटर्नल्स एंड द मार्वल्स। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे MCU अब क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। एंड गेम से पहले मार्वल के पास एक स्टोरी लाइन थी जो कि 6 मेजर हीरोज के अराउंड थी, जो कि ओरिजिनल एवेंजर्स थे, और फिर मार्वल ने इन की हीरोज को इस तरह से डेवलप किया जिससे हम इनसे फुली कनेक्ट हो गए, और अब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी आयरन मैन के जैसा लीडर नहीं है जो कि मार्वल को न्यू एरा में लेकर के जाएगा, या फिर कैप्टन अमेरिका जैसा जो कि हीरोज को यूनाइट कर सके। प्रॉब्लम यह नहीं है कि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है। अब सैंक्ची को ही ले लो, वो बस एक नॉर्मल लड़का था जब तक हमें पता नहीं चला कि वो एक टेररिस्ट लीडर का बेटा है। हम देखते हैं कैसे वो अपनी प्रॉब्लम से भागने वाले लड़के से एक डिटरमिन्ड मैन बन जाता है। मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे तुम? नहीं डरता मैं आपसे। जो कि अपने गांव को बचाने के लिए अपने फादर से लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सैंक्ची का कैरेक्टर MCU के किसी और कैरेक्टर से रेलेवेंट नहीं है, और फिर 2021 में रिलीज होने के बाद से किसी और मूवी या शो में उसका रेफरेंस भी नहीं आता है। MCU अपने मल्टी स्ट्रक्चर के कमिटमेंट के लिए यूनिक है, जो कि सभी कैरेक्टर्स को एक सीरीज या मूवीज में इंटरट्वाइन करता है, और यह बात MCU को काफी यूनिक बनाती है। जब हम फेज 1, 2 एंड 3 में थे तब कम प्रोजेक्ट्स ज्यादा टाइम में आते थे और हमें क्रॉसओवर इवेंट्स भी देखने को मिलते थे जो कि इन कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है।
है? ऐसा नहीं, वो जरा सी आंख लग गई थी। कहां तक सुना तुमने? स्विट्जरलैंड की लिफ्ट में। यानी तुमने कुछ नहीं सुना? I'm sorry. लेकिन हमें कोई और दो कैरेक्टर्स जो कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की तरह हो फिर से देखने को नहीं मिले। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। मैं कईयों को जानता हूँ जिनके पास ये सब नहीं है, पर तुम जैसे 10 पर भारी है। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुमसे खतरा बेशक ना हो पर ये हीरो बनने का नाटक बंद करो अब। हीरो? तुम्हारी तरह? तुम तो लैब में किया गया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया गया एक बोतल में। अपना कवच पहन लो, हो जाए दो दो हाथ। आप लोग कितने बचकाने हो, कितनी छोटी। ये दोनों कैरेक्टर्स एवेंजर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थे, जो कि शुरुआत में बच्चों की तरह लड़ते थे। जैसे कि टोनी की स्टबर्ननेस का स्टीव की लीडरशिप के रास्ते में आ जाना। स्टीव टोनी को कॉल आउट करता था कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। और इसके बाद सिविल वॉर में हम एक दोनों को दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हुए भी देखते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट के लास्ट में हमें यह इंटेंस इमोशनल सीन भी देखने को मिला। ये मेरा दोस्त है। कभी मैं भी था। इन कैरेक्टर्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हमें और भी कई सारे अनफॉरगेटेबल इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पाइडरमैन और आयरन मैन के बीच में हार्ट पंचिंग गुड बाय। लेकिन एंड गेम के बाद मूवीज न्यू कैरेक्टर्स को एक साथ नहीं ला पाई, जिससे हम उन्हें ग्रो एंड डेवलप होते हुए नहीं देख सके। अभी के सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी राहों पर हैं, और कभी कभी तो लगता ही नहीं कि वो एक ही यूनिवर्स में हैं। सुपर हीरोज ही नहीं, और भी इश्यूज हैं। एमसीयू को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बड़ा पार्ट है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल विलेन का होना, जैसे कि थैनोस। थैनोस एंड गेम से कई साल पहले पहली एवेंजर मूवीज में ही दिखा था, और कई सालों तक एमसीयू ने केयरफुली इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के लिए प्लॉट को सेटअप किया, जिसमें उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स एंड अदर कैरेक्टर्स का प्लेसमेंट किया। और शुरुआत से ही यह सब कुछ थैनोस के साथ एक लूमिंग बैटल को पॉइंट करता था। और अब फाइनली कुछ नए विलेंस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जैसे कि गैलेक्टस एंड कैंग। और अब सवाल है, क्या इन न्यू विलेंस के साथ में फिर से वैसे ही पावरफुल मोमेंट्स होंगे, या फिर हर नए रिलीज के बाद में हम पूछते रहेंगे? बस इतना ही कर सकते हो।